भागलपुर के औद्योगिक थाना पुलिस की मदद से कुछ दबंग लोग किसान की जमीन पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और उसकी फसल को पुलिस के सामने ही लूट रहे हैं। दरअसल बरारी निवासी किसान गणेश यादव ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समीप उनकी 70 बीघा रैयती जमीन है, जिसके सारे दस्तावेज उनके पास है। गणेश यादव ने बताया कि दबंगों की शिकायत लेकर जब वो औद्योगिक थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह के पास गए तो थानाध्यक्ष ने आरोपियों से साठगांठ कर उनकी ही पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी SSP, DIG और मुख्यमंत्री से की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गणेश यादव ने बताया कि पुलिस ने उन्हें अपनी ही जमीन पर जाने से रोक दिया है और खेत में लगाई गई फसल को पुलिस की मदद से अपराधी लूट रहे हैं। गणेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो अपने पूरे परिवार के साथ DM कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ जाएंगे। गणेश यादव ने भागलपुर SSP से मामले में संज्ञान लेकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने और अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। मामला है, थाना प्रभारी पूरा जो है प्रदीप मंडल के तरह झुका हुआ है। हम लोग वो लूटता है, हम लोग अगर थाना जाते हैं तो मेरा एप्लीकेशन नहीं लेता है, कहता है जो पैसा देगा 5 लाख उसी का फसल होगा। इसलिए अजय प्रदीप मंडल पूरा जो है थाना प्रभारी इस पर झुका हुआ है और वह जो है पैसा मांगता। हम लोग गरीब जब फसल लगाएं तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग अजय खुद जो है घर बंधक धकर करके जो है जमीन फसल लगवाएं और ये जो है प्रदीप मंडल जो है दरगाह के संरक्षण में रह करके पूरा फसल को एकदम काट लिया, जो कि मुखिया जी भी गए, मुखिया जी भी देखा कि जो फसल का फोटो लिया उसका भी सब फसल काट लिया। इतना बरियारी कि इसका कोई हद नहीं है। इसमें तीन चार को बदमाश से मिला जुला रह रहा रह है, लोग बदमाश मिलकर करके हम लोग को जो है परेशान किया जा रहा है किसान को, और मार भी हम लोग को मार वहाँ जाने के बाद में कहा कि मारा हम लोग को तीन चार आदमी को और कहा कि यहाँ से भागो, यहाँ प्रशासन है, तुम क्या करोगे, फसल का सारा रिक्स हम लेंगे। इसीलिए अजीब हम लोग खेत पर भी जाना बंद कर दिया और हमारा सारा फसल लुटा गया। प्रदीप मंडल एक अजीब बहुत बड़ा गैंगस्टर है अजीबी, बराड़ी का इसका बाप भी गैंगस्टर था और इसके बाद बाप मरने के बाद ये गैंगस्टर हाथ में लिया, 4-5 गांव का बदमाश ला करके राघोपुर इधर आपका जगतपुर और इंग्लिश 3-4 गांव का बदमाश ला करके भैंस ले करके जमे हुआ है और सब फसल वही लोग लूट रहा है। भैंसवार है नहीं बल्कि भैंसवार के नाम से वो लोग सब सारा बदमाश है। कई बार पुलिस लपेटा भी लेकिन फिर भी जो है उसको मानता नहीं है। तो प्रदीप मंडल का जमीन नहीं है वो? तो प्रदीप मंडल का जमीन है, हम लोग से बहुत दूर है, लेकिन वो जो जहाँ पर है, जहाँ पर भैंस चरा रहा, जहाँ पर लूटा, वो जमीन प्रदीप मंडल का नहीं है। हम लोग ने जो है एप्लीकेशन दे करके सरकार से जो है CO से नापी करवाए, एक बार ने पहले भी प्राइवेट जमीन से किए और सरकारी जमीन से भी करवाए, लेकिन ये वैल्यू नहीं देता है। हम लोग बुनते हैं और जैसे अभी नापी हुआ उसका किला खुटा सब उखाड़ करके फेंक दिया। अभी जो आपके सामने यह तस्वीर दिख रही है यह कोई भूतिया महल से कम नहीं, यह खंडर भवन 150 साल पुराना है, जिसकी जर्जर स्थिति देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे महल के चारों तरफ पेड़ उग आए हैं, पूरे महल में दरारें हो गई हैं, फिर भी इसमें भागलपुर का बस स्टैंड का कार्यालय चल रहा है। एक तरफ जहां भागलपुर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बस चलाने की बात तो हो रही है, वहीं दूसरी ओर शहर को स्मार्ट बस स्टैंड ही नहीं है। यहां पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का भागलपुर का रीजनल कार्यालय जर्जर हालत में है। भवन अंग्रेजों के जमाने का है जो तकरीबन 150 साल पुराना है। भवन में बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ निकल चुके हैं। भवन में दरारें आ गई है, बावजूद 1.5 दर्जन कर्मचारी और रीजनल ऑफिसर भवन में कार्यरत है। यह तस्वीर भयावह है, हादसे को निमंत्रण दे रही है। बस स्टैंड की बात करें तो यहां ना शेड है, ना पानी पीने का इंतजाम है। बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं है। ICICI की ओर से RO सिस्टम लगाया गया है लेकिन उसके समरसेबल नहीं है, जबकि इस बस स्टैंड में प्रतिदिन लाखों रुपए की कमाई होती है। यहाँ से BSRTC की बसें बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, अररिया व अन्य जिलों के लिए खुलती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर शाखा के रीजनल मैनेजर पवन सांडिल ने कहा कि भवन निर्माण विभाग के DGM से बात हुई थी, निरीक्षण किया गया था। भवन तो बहुत पुरानी है, बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, सब कुछ में सुधार की जरूरत है। भीषण गर्मी में पानी की घोर समस्या है, 2 चापाकल है, दोनों सूख चुके हैं, बाहर के पानी पर लोग निर्भर रहते हैं। है तो पुरानी बिल्डिंग है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना बिल्डिंग है, बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। हम लोग स्थानीय स्तर पे प्रयास करते हैं कि यात्रियों को मैक्सिमम सुविधा मिले। भवन काफी जर्जर है, इस संबंध में हमने विभाग को भी पत्र लिखा है और भवन निगम के अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, स्थल निरीक्षण किए हैं, प्राकलन बना के विभाग को भेजा गया है। यथाशीघ्र भवन जर्जर भवन को
डिमोलिश करके फ्रेश नया भवन बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 120 बसें आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक CNG और डीजल बसें हैं, तो 120 बसों को संचालन करने के लिए संसाधन की भी अब परम आवश्यकता होगी। यात्रियों को बैठने के लिए यात्री सीट होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, तभी 120 बसों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। ये सारे प्रक्रियाधीन है। यहाँ पानी को लेकर भी बात है। हाँ, पानी देखिए अभी भीषण गर्मी है, पानी की घोर समस्या है, दो चापाकल है वो भी खराब हो गया है, हम लोग फुल्ली तरह डिपेंडेंट हैं सप्लाई पे, तो बोरिंग के लिए भी हम लोग प्रयास किए हैं, जिला प्रशासन से भी आग्रह किए हैं कि ये यहाँ पे एक सबमर्सिबल बोरिंग बनाया जाए। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा बादलपुर गांव में मोटरसाइकिल चोरी विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से तलवार और लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के 6 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए रेफर अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी कुछ लोगों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाने में भी एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है। मारपीट सर, हम घर में थे, हल्ला हो रहा था, हम गए अंदर, हम अंदर बाहर गए हैं तो हम देखे अब झगड़ा हो रहा है, इसको सब लोग सब भाई मिल के एकदम पूरा गाली गलौज दे रहा था। कौन कौन घायल है? घायल कौन कौन है? घायल है वो दोनों भाई, हमको भी मारा है, चुत्तर में जो फुला दिया है, पहुंचो भाई डंडा लेके। कौन मारा आपको? मारा है वही सब वीरेंद्र मंडल, बीरू मंडल, बिरजू मंडल और राजू मंडल। वहाँ से हमको फोन करके बुलाया कि भैया गाड़ी चोरी हो गया है, थाना पर सब केस करने के लिए, तो सब भाई बैठ के गप कर रहे हैं, ये बात मेरे मुंह से निकला है, गांजा बेचता है तो उसी में से कोई चोर होगा जो गाड़ी चोरा के गया। ठीक। तो भूतनाथ चौक पे जिसका घर है उसको गुस्सा लगा, मेरे बगल में कैसे अचानक पीछे से आया तलवार लेके। आपको तलवार से मारा है? हाँ, तलवार से। विवाद बस किसी बात का नहीं है, हमको जैसा तक लग रहा है कि मेरे बड़े भाई वीरेंद्र कुमार बीरू, वो एक बार शायद गांजा के सिलसिला में वो केस किए थे, पकड़वाए थे, वो जेल से छूट के आया है, वो मेरे भाई पे ही तलवार से अटैक करने के लिए कोशिश किया, वो मेरे बगल में मेरा भाई बैठा था, हम उसको हाथ से बचाए हैं। क्या चीज़ से विवाद शुरू हुआ था? मतलब गाड़ी चोरी हुआ है। आपका गाड़ी चोरी हुआ था? हम तो तलवार से मार रहे थे भैया को, हम बचाने गए, हमको भी मार दिया। आपको ही मार दिया? तो हम दुकान पर से जा रहे थे घर, वो जैसे काली स्थान पहुँचे ना, ये लोग सब भाई वहाँ पर था, और जो है कि जैसे हम इधर से गए तैसे नाम पकड़ के गाली देने लगा, वही हम ये लोग ना, वो वीरेंद्र मंडल, धीरू मंडल, वो पांचों छवो भाई था, और सब मिलके पहले से तैयार था। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी, मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं।
ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पूर्वी बिहार के लोगों का बरसों का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि 200 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में 200 बेड है, जिसमें 7 विभाग न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि झारखंड और बंगाल से इलाज करने के लिए भागलपुर आने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज में मरीजों का दबाव भी कम होगा। माननीय मंत्री महोदय के साथ 12 जून को समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उद्घाटन करा देना है जुलाई के दूसरे पखवाड़ा में। अभी वस्तु स्थिति क्या है तो इसमें बिल्डिंग करीब करीब बन चुका है, इसमें बिजली, पानी, एसी, जनरेटर, गैस पाइपलाइन, ओटी और जिन अन्य चीज का टेस्ट कर लिया गया है जो फंक्शनिंग है। 1 महीना जो टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है कि जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हाइट्स को करीब 92 उपकरण देना था, जिसमें से 50 उपकरण का वो सप्लाई कर चुका है, लेकिन इंस्टॉल्ड इसलिए नहीं हुआ कि इंस्टॉल कराने वाले एक्सपर्ट लोग नहीं थे। जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तो इन लोग अपने अपने विभाग के अति सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका अपनी देख रेख में इंस्टॉलेशन कराएंगे और सर्टिफिकेट देंगे। स्टाफ वगैरह की जो बात होगी लोकल लेवल से, वो लोकल लेवल से यहाँ से किया जाएगा, और जो सचिवालय मुख्यालय के लेवल से आना है उन लोगों की भी पोस्टिंग निकट भविष्य में होने की संभावना है। तो उन लोगों के आते ही इसको यथाशीघ्र हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग चालू कराएं। बांका जेल में कैदी विशेश्वर मोदी की तबीयत बिगड़ने के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक कैदी बांका चांदन क्षेत्र के हरदिया पररिया गांव का रहने वाला था। नक्सली के साथ काम करने के आरोप में बांका जेल में कई वर्षों से बंद था। मृतक कैदी के परिजनों का आरोप है कि बांका जेल प्रशासन की ओर से तबीयत बिगड़ने की जानकारी नहीं दी गई, मौत के 1 दिन बाद जानकारी दी गई। डेड बॉडी को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया था। पहले पकड़ाया था, थोड़ा इसका दिमाग छिर था, तो इलाज कराने के दौरान में इलेक्शन से पहले इसको जैसे पकड़ के अंदर कर दिया। इसके बाद तो कुछ दिन पहले हम लोग भेंट भी किए थे, तभी स्थिति सही था, लेकिन माँ से आने के बाद कल हमको आज सुबह पता चला कि आपका पिताजी का एक्सपायर हो गया। तो हम लोग बांका आया, बांका से यहाँ भेजा कि वहाँ पे आपका पिताजी आया, यहाँ पता चल रहा है कल एक्सपायर हुआ, बाहर में डेड बॉडी फेंक दिया लवारिस का तरफ गेट के पास। हाँ, आज हुआ 9 बजे। ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया गया। इसी बाबत आज भागलपुर के नाथनगर CTS मैदान, शाह मार्केट, मस्जिद ततारपुर, मनाचक, बढ़ापुरा, बरारी के अलावे सभी मस्जिदों में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। CTS मैदान नाथनगर में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धूमधाम से बकरीद त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगकर बकरीद की शुभकामनाएं देते दिखे। इस दिन तमाम लोग यकजा होकर के नमाज ईद उल अजहा अदा करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह जमा होकर के यूनिटी और इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम जमाने को दिया जा सके कि कितनों भी तादाद में रहें हम मुत्तहिद रहते हैं और इत्तेफाक व इत्तेहाद में ही जमाने के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे इंसानियत के लिए भलाई है। कोई भी काम हम अगर मिलजुल के करते हैं तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ना इत्तेफाकी से हमारे
किसी भी काम के हम नहीं रहते। यही मकसद आज के इस नमाज का होता है। कुर्बानी हर साल मनाया जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में। ये क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 रात ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। आखिर ख्वाब के बिना पर हज़रत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना के मैदान में ले जाकर ज़बह करने के लिए अपने बेटे को मैदान में लिटा दिया और गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये छुरी की नहीं चली और उसके बाद आँखों से जब पट्टी खोलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा तो बगल में एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। आज की इस ईदगाह के अंदर मौजूदगी हमारे एक इज्तिमाईयत को, हमारे इस इत्तेहाद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और हमारे दिल की अथाखाइयों से पूरी दुनिया के लोगों के लिए आज हम अपने इस खुशी के दिन में तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम अपने इलाके के, अपने प्रशासन के, हम अपने इस हुकूमत के और हमारे लिए जो इस करणगाह ईदगाह में जो हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जो ताबुन कर रहे हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं और उन सब को मुबारकबाद देते हैं और मज़ीद आइंदा भी इस तरह की खुशियों में हम अपने बिरादरान वतन को शरीक करते हैं, उन्हें भी अपने यहाँ बुलाने की दावत देते हैं और उसके साथ में अच्छाई के साथ पेश आने और हर भले काम के अंदर एक दूसरे के ताबुन की भरपूर हम अपनी तरफ से और तमाम अपने उम्मत मुस्लिमा इलाके के तमाम मुसलमानों और बिरादरान वतन की तरफ से दावत देते हैं कि आएँ हमारे इस खुशी के अंदर शरीक हों। बांका जिला के संग्रामपुर में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आ रही है जिसमें गोली लगने से राकेश यादव घायल हो गया है। घटना के बाबत घायल राकेश यादव ने बताया कि बुधन यादव से हम लोगों को किसी बात को लेकर पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसी बीच 15 जून को हम बाहर गए थे और कल जब वापस घर आए तो बुधन यादव, उसका पुत्र सुदामा यादव और सुदामा यादव का साला घर में आकर गाली गलौज करने लगा और घर से बाहर निकलने के लिए बोला। जब हम लोग इसका विरोध किए तो सुदामा यादव ने पहले लाठी डंडा से पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर सुदामा यादव ने अपने कमर से हथियार निकाला और अपने साले के हाथ में दे दिया। इसके बाद सुदामा यादव के साले ने मेरे ऊपर गोली चला दी। इसके बाद हम लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। सूचना के बाद स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची और हमें मायागंज अस्पताल इलाज के लिए लाया गया जहां अभी इलाज जारी है। इस बीच पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पहले से कुछ झमेला चल रहा था, सुदामा और उसका बाप बुधन यादव दोनों मिल करके सुबह सुबह गाली गलौज करते हुए घर से बाहर निकलने बोला, हमें निकला और उन्होंने डंडा चलाया। डंडा चलाने के बावजूद मैं भी डंडा अपना निकालने का कोशिश किया जब तक उसका साला मेरे ऊपर गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद मैं गिर गया। गिर जाने के बाद हमको गोली लगा नहीं, फिर उठ के भागने के चक्कर में फिर गोली चला दिया, इसमें हमरा लग गया। गोली मारने वाला कौन कौन था? गोली मारने वाला था सुदामा यादव के हाथ से, हाथ में गोली था और उसका साला छीन करके मेरे ऊपर चला दिया।